हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो ऑफ टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। आज आप सभी के सामने है 2022 की फेसलिफ्ट अर्टिगा। एंड आज हम आए हैं बाय द वे सत्यम मोटर्स पे इस गाड़ी का शूट करने। तो अगर आपको कोई भी गाड़ी परचेज करनी हो अरेना से तो आप सत्यम मोटर्स को कॉल कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज जो डिस्प्ले वहाँ पर नंबर्स वगैरह शो हो जाएंगे। अब हम अर्टिगा की बात करते हैं। जो अर्टिगा की फॉब है वो आपको इस टाइप से मिलती है की ये देखिए आप, लॉक अनलॉक का यहाँ पर ऑप्शन है। एंड कंपनी यहाँ पर दो की आपको दे रही है, दो की फॉब्स यहाँ पर ऑफर कर रही है। पीछे में की जो बैजिंग है वो आपको मिल जाती है। एंड अगर हम अर्टिगा की बात करें तो इसका ZXi प्लस वेरिएंट आप सभी के सामने है। तो ZXi प्लस वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या कंपनी ऑफर कर रही है आज यही हम जानने वाले हैं। फ्रंट से बात करें तो गाड़ी के अंदर जो ग्रिल का चेंज है वो आपको सबसे बड़ा देखने को मिलेगा, जो कि अर्टिगा को और ज़्यादा मस्कुलर बनाता है और दिखने में एक गाड़ी अमेजिंग लगती है। अगर बात करें इस गाड़ी के हेडलैम्प्स की तो हेडलैम्प्स में आपको फ्रंट में प्रोजेक्टर बीम दे दिया है लो बीम में। हाई बीम में गाड़ी के अंदर आपको हेलोजन कंपनी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर बल्ब हैं। नीचे फॉग लैंप्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से कंपनी फॉग लैंप्स ऑफर कर रही है, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दिखने में। क्रोम का जो आउटलाइन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। एंड फ्रंट व्यू की बात करें तो ये व्हाइट कलर है, इसमें आपको डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिलते हैं, डिफरेंट कलर्स आते हैं। तो डिफरेंट कलर्स आप चॉइस आपके पास में बहुत सारी भरपूर रहती है, तो डिफरेंट कलर्स की और आप जा सकते हैं। वहीं पर बात करें इस गाड़ी के साइड डोर की तो यहाँ पर आपको जो ORVM है बॉडी कलर्ड मिलते हैं विथ साइड टर्न इंडिकेटर, दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। क्रोम डोर हैंडल मिल जाते हैं, दो रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं आपको ड्राइवर साइड एज वेल एज को ड्राइवर साइड। अभी हम को ड्राइवर साइड हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट सेंसर दिया है, ड्राइवर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। पीछे भी आपको यहाँ पर क्रोम डोर हैंडल दिए हुए हैं। फ्यूल टैंक यहाँ पर आपको दिया है, जिसमें आपको 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। पीछे की अगर हम बात करें तो पीछे आप यहाँ पर देखिए रियर वाइपर, रियर डिफॉगर। पीछे आपको ZXi प्लस में आपको यहाँ पर स्पॉइलर दिया हुआ है। पीछे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है विथ वॉशर, मतलब आप जैसे ही वाइपर वगैरह यूज़ करेंगे तो पीछे भी पानी आएगा। पीछे जो वाइपर है वो पूरी गाड़ी का जो पीछे का ग्लास है वो क्लीन कर देगा, है ना कमाल की बात। अर्टिगा की जो टेल लाइट्स है वो ओल्ड स्कूल डिज़ाइन में है, जो कि पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती हैं। पीछे कंपनी ने एक क्रोम का टच दिया है, जिससे गाड़ी का जो लुक है वो काफ़ी अमेजिंग है। यहाँ आप देख सकते हैं जो सेंटर में क्रोम है ना, यही बहुत प्यारा लग रहा है दिखने में। सुजुकी की वैसे बैजिंग है, स्मार्ट हाइब्रिड यहाँ पर लिखा हुआ है, स्मार्ट हाइब्रिड की यहाँ पर कंपनी ने बैजिंग दी है। स्मार्ट हाइब्रिड से आपको जो एवरेज मिलता है ना गाड़ी का, वो बहुत प्यारा मिलता है। पीछे में एज अ एसेसरी कंपनी ने यहाँ पर जो सुजुकी है सत्यम मोटर से, उन्होंने गाड़ी के अंदर कुछ एसेसरीज भी एड ऑन करी हैं। तो यहाँ आप देखिए जो डिग्गी क्रोम है वो यहाँ पर लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। फोर पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, यहाँ पर आपको ये रिफ्लेक्टर मिल जाता है। तो मतलब पूरी गाड़ी ना एकदम मज़ेदार है। तो यहाँ पर हमने बैक व्यू की बात कर ली है, एक चीज़ छूट रही है जो है इस गाड़ी के अलॉय व्हील। गाड़ी के अंदर आपको जो कंपनी ने अलॉय व्हील दिए हैं ना डायमंड कट फिनिश के साथ में, वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब हम बात करते हैं गाड़ी के अलॉय व्हील की। तो अलॉय व्हील में आपको 15 इंचेस के अलॉय कंपनी ने दिए हैं। टायर साइज है 185/65 आवर्स 15 इंचेस का। 15 इंचेस में ये डायमंड कट डिज़ाइन बहुत ही प्यारी लगती है। फ्रंट में आपको 2 डिस्क ब्रेक्स दिए हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक कंपनी ऑफर करती है। एंड अलॉयज आप देख ही सकते हैं, बहुत ही प्रीमियम लगते हैं, बहुत ही प्रीमियम गाड़ी को दिखाते हैं। तो ओवरऑल जो गाड़ी का फ्रंट लुक है वो हमने आपको दिखाया। अब इंटीरियर से देखते हैं गाड़ी कितनी प्यारी लगती है। वहीं पर इसका जो मिड वेरिएंट है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो दोनों गाड़ियों को हम सिंगल फ्रेम में लेते हैं, कुछ इस टाइप से आपको दोनों अर्टिगा दिखने को मिलेगी। फ्रंट से जो क्रोम वाला थीम है ना, वो कंपनी हर वेरिएंट के अंदर दे रही है, जो कि बहुत ही अच्छा कंपनी ने स्टैंडर्ड करके दिया है। अर्टिगा का जो लुक है वो बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। अब हम गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं, इंटीरियर से क्या क्या अपडेट्स कंपनी ने करे हैं उसकी बात करते हैं। गाड़ी को आप अनलॉक करने के लिए की का भी यूज़ कर सकते हैं। वहीं पर रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है, तो आपको गाड़ी को सिर्फ आपकी जेब में रखना है एंड सिर्फ बटन दबाना है, गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो गाड़ी का डोर पैनल है, यहाँ पर आपको ऑल फोर पावर विंडोज़ मिल जाती है, लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिलता है, ORVM कंट्रोल्स हैं, ORVM आपको ऑटोमेटिक एडजस्टेबल मिल जाते हैं, ऑटो फोल्ड के फीचर के साथ आते हैं, वाटर बॉटल होल्डर है, यहाँ पर आप छोटा मोटा अपना सामान रख सकते हैं। स्पीकर की बात करें तो गाड़ी के अंदर आपको 4 स्पीकर मिलते हैं और 2 ट्विटर मिलते हैं फ्रंट में। पीछे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीछे का जो डोर पैनल है वो बहुत ही बड़े साइज का है, क्योंकि पीछे वगैरह एंट्री करने में ताकि दिक्कत ना हो कोई भी पैसेंजर वगैरह को, तो इसका कंपनी ने खास ध्यान दिया है। क्रोम डोर हैंडल मिल जाते हैं, पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, वाटर बॉटल होल्डर हैं, यहाँ पर आप छोटा मोटा जो अपना सामान है वो रख सकते हैं। एंड यहाँ आप देखिए अर्टिगा की स्कफ प्लेट विथ एल्यूमिनेशन, जो कि बहुत ही प्रीमियम लग रही है। सीट्स की बात करें तो सीट्स आपको यहाँ पर कंपनी दे रही है फैब्रिक अपहोस्ट्री के साथ। आर्म रेस्ट भी यहाँ पर आपको मिलता है, ये देखिए, ये है अर्टिगा आर्म रेस्ट, ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। फैब्रिक की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। आगे के ड्राइवर साइड के भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल रहे हैं, और गाड़ी के जो सेकंड रो सीट्स हैं और थर्ड रो सीट्स हैं वहाँ पर भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ही कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जो कि अगेन अच्छी बात है। कंपनी ने हर चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से सोचा है। एंड हम पीछे साइड चलते हैं। आप गाड़ी की सीट्स को हमने रोल डाउन कर दिया है
एंड इस टाइप से हमने पीछे कर दिया है। गाड़ी के अंदर इंटर करते वक्त थर्ड रो की सीट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, वाटर बॉटल होल्डर मिल जाता है, चार्जिंग वगैरह अगर आपको करनी है पीछे से तो गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। यहाँ पर आप सिगरेट लाइटर पोर्ट वगैरह वाला जो चार्जर है वो लगाकर अपना मोबाइल वगैरह इजीली चार्ज कर सकते हैं। क्वार्टर पैनल की जो विंडोज है ना उनको और ज़्यादा यूज करा है कंपनी ने, जिससे कोई भी ऐसी सफोकेशन वाली प्रॉब्लम आपको फील ही नहीं होगी गाड़ी के अंदर अगर आप पीछे बैठेंगे। अगर बात करें पीछे के स्पेस की तो हमने पीछे की सीट्स अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर ली है, तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर लेगरूम स्पेस मिल रहा है, अच्छा खासा है लेगरूम स्पेस है। और इंटीरियर पीछे से ऐसा दिखता है, पीछे में यहाँ पर आपको ब्लोअर वगैरह मिल जाते हैं, चार ब्लोअर हैं एसी के एंड यहाँ से आप जो स्पीड वगैरह उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पीछे में आपको ये लाइट मिल जाती है हेलोजन बेस्ड, यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, पीछे तक ग्रैब हैंडल है, मतलब वाह वाह मारुति सुजुकी, बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी ने ये सेफ्टी फीचर है जो ग्रैब हैंडल पीछे भी दिया है, और कुछ कुछ गाड़ियाँ मिस कर देती हैं बट कंपनी ने इस चीज़ को दिया है। अगर आपको इसको रोल डाउन करना है तो बस यहीं से आपको ये ट्रिगर को पुश करना है एंड सीट्स अपनी आगे हो जाएंगी एंड आप बाहर आराम से आ सकते हैं। तो पर्सनली मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई गाड़ी के आगे आने में। वहीं पर फर्स्ट रो में अब हम आ चुके हैं। सीट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर मैनुअल मिलती है, हाइट एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, यहाँ पर एबीसी पैडल हैं एंड अगर हम गाड़ी के अंदर चलें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ये आर्म रेस्ट। आर्म रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आर्म रेस्ट में थोड़ा बहुत स्पेस वगैरह भी है तो आप अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। हैंड ब्रेक है गाड़ी के अंदर, 5 स्पीड का गेयर बॉक्स है। इस गाड़ी के अंदर आपको 1500 cc का इंजन मिलता है तो आपको ये गेयर बॉक्स मिल जाता है उसका एंड रिवर्स वगैरह का आपको जो पूरा इमेज है वो यहाँ पर मिलता है। रिवर्स में कैमरा भी बहुत ही अच्छा कंपनी ने दिया है। इस गाड़ी के अंदर आपको जो सेंटर में फिनिश मिलती है ना ये बहुत ही अच्छी फिनिश मिलती है, वुडन टाइप की फिनिश है जो कि बहुत ही प्रीमियम लगती है एंड गाड़ी के अंदर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, स्मार्ट प्ले प्रो टेक्नोलॉजी का आपको स्टीरियो सिस्टम मिलता है जो अभी बलिनो के अंदर हाल ही में कंपनी ने लॉन्च किया था। इसके अंदर आपको इस टाइप से MID मिलती है, AC वेंट कुछ इस टाइप से डिजाइन में मिलते हैं एंड स्टीयरिंग की बात करें तो डी कट स्टीयरिंग व्हील कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करती है जिसमें आपको यही वुडन फिनिश देखने को मिलती है। स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं, क्रूज कंट्रोल भी आपको यहाँ पर मिल जाता है एंड अगर आप AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको शिफ्टर्स भी कंपनी ऑफर करती है इस वेरिएंट के अंदर। फ्रंट एंड रियर वाइपर कंट्रोल्स मिलते हैं, हेडलाइट कंट्रोल्स मिल जाते हैं, स्मार्ट हाइब्रिड की यहाँ पर बैजिंग है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फ्यूल इकोनॉमी है वो सब बताएगा एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये एक्सेलरेशन एंड जो इंजन मोटर है उसका भी आपको कॉन्फिगरेशन यहीं पर बता देगा। बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर हैं, अभी जो एवरेज है इस पर आप माइंड मत करिए क्योंकि अभी गाड़ी चली नहीं है। यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच मिलता है, गाड़ी के लिए यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कंट्रोल करने का ऑप्शन है, हेडलाइट लेवलर है। यहाँ पर ये गाड़ी इसका जो बूटिंग प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो चुका है। इस गाड़ी के अंदर आपको 15+ कार कनेक्टेड फीचर मिलते हैं सुजुकी की तरफ से। जो सिस्टम स्टीरियो है वो 7 इंचेस का आता है, इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। ऊपर से ये देखिए आप 24 फॉर्मेट वाईफाई वगैरह भी है इसमें और साथ में जो टच रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा है। स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर पेयरिंग फैसिलिटीज़ मिल जाती है, अलर्ट प्रॉम्प्ट्स भी देगा मतलब कि जैसे ही हम गाड़ी को ऑन करते हैं तो अगर फ्यूल लेवल लो है तो वो भी ये चीज़ बताती है, कुछ अगर गेट वगैरह ओपन है तो वो चीज़ भी आपको ये अनाउंस कर देगी। Hi, what can I do for you? ये इसका कुछ फीचर है तो हेलो सुजुकी। No phones connected. Please connect and try. Tune to FM. तो ये कुछ इस टाइप से ये फ्रीक्वेंसी नंबर लेगी एंड जैसे हम 93.5 बोलेंगे तो इस पर हमें ट्यून इन कर देगी। सेफ्टी की बात करें तो गाड़ी के अंदर आपको 4 एयरबैग्स कंपनी ऑफर कर रही है, 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, ABS है, EBD है गाड़ी के अंदर सेफ्टी के लिए और हिल होल्ड असिस्ट फीचर भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल है। तो सेफ्टी जैसे सारे फीचर्स आपको भरपूर अर्टिगा के अंदर देखने को मिल जाते हैं एंड ये इसका ZXi+ वेरियंट का पूरा वॉकअराउंड था, रिव्यू था। आपको कैसी लगी ये गाड़ी लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो और इसी के साथ आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करें टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल। हम आपसे मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।